2015 मेरिट भर्ती के समस्त भाइयों को जय हिंद। मैं प्रीतम पासवान आप ही लोग के बीच का कैंडिडेट, कुछ आप लोग के बीच में राय देना चाहता हूं। ग्रुप में मैं भी इन्वॉल्व हूं, हर ग्रुप में मैं हूं। आप लोग की वीडियो ऑडियो देख देख के आप लोग ने क्या गलती किया और क्या गलती किए जा रहे हैं, शायद ये चीज का आप लोग को अंदाजा नहीं है। अब नहीं रहा गया है, बहुत भाइयों का प्रेशर की वजह से मैं यह आज ऑडियो कर रहा हूं। हमें कोई लाभ नहीं है, ना ही किसी प्रकार का बेनिफिट लेना है। पहला सिद्धांत तो मैं ये कह दूं, मुकदमा खारिज होने का एक सबसे बड़ी भूमिका आप लोग की ये है, 2018 मैटर को इन्वॉल्व करना। दूसरा, अब्सेंटिंग नॉट ज्वाइनिंग का सर्टिफिकेट। अगर जितने भी हैं इनको इन्वॉल्व करके साथ में लेके चलना, कैरी फॉरवर्ड को कुछ ना समझना, पैसे की लालच करना, ये सारी चीज मिलकर मुकदमा को खारिज कराई है। पहला मुद्दा, 18 वालों को कहीं ना कहीं रूल्स अलग है, नोटिफिकेशन अलग है, उनसे कोई हम लोग का मैचिंग नहीं है। बस ये लीडरशिप जो किया जा रहा था बेनिफिट के लिए, कम पैसे में रिट डाला जाएगा, अकाउंट जारी करके पैसे मंगवाया जाएगा, ये बड़ी बहुत बड़ी अंधेरे में रखा जा रहा था। दूसरी, जितने भी भर्तियां हैं आप कभी भी नोटिस करिएगा, हर भर्ती में ड्रॉपिंग जब होती है तो मैटर ये बनता है आप किस चीज में छटे हैं। जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट में छटे हैं तो इसका जवाब कास्ट सर्टिफिकेट पे ड्रॉपिंग बनता है, ना कि पूरा मैटर बना दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, अब्सेंटिंग हो गया, अंडर हाइट हो गया, नॉट ज्वाइनिंग हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया, ये तमाम मुद्दा इस भर्ती में ही था। सर्वोच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने कोई गलती नहीं किया है। आप लोग ये सोचोगे कि न्यायालय में गलती हुआ है तो ये आप लोग की सबसे बड़ी भूल है। केस को मैं भी लीड किया हूं, मैं भी पैरवी कराया हूं, हर स्तर पर मैं लड़ा हूं, मैं तो उस तरह ठोकर खा खा के देखा हूं। कोर्ट में हर डेट पे पेश होता था, हर डेट पे अधिवक्ता मौजूद होते थे, हर डेट पे जवाब का इंतजार किया जाता था, लेकिन जवाब नहीं आता था। मुकदमा को टेकअप नहीं किया जाता था, मुकदमा एक नंबर से लेके 215 मुकदमा तक मैंने देखा हूं। कारण क्या था अभी तक आप लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले तो मैं जितने भी ग्रुप में भाई हैं उन लोग से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग को पता है कि मुकदमा किस बेस पे खारिज हुआ है? आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग को सही चीजें मालूम नहीं चलता है, एडवोकेट के बीच में रह नहीं पाते आप लोग, ना ही आप लोग को सही सूचना दिया जाता है। जैसे कह दिया जाएगा कि हम लोग को एक दो पॉइंट मिल गया है जीतने के लिए, तो आप लोग एक दो पॉइंट को 100-200 पॉइंट बना देते हो, आप लोग ही बनाते हो। मैं उस इंसान को कभी नहीं गलती कहूंगा जो लेके जा रहा है, मैं उस इंसान को कहूंगा जो साथ में जा रहा है।
सभी को लालच होती है पैसे कमाने की। जब उनकी सोच ही ऐसी है तो आप उस सोच में जा क्यों रहे हो? ये आपकी गलती है। दूसरी गलती, सबसे अहम गलती आप लोगों की क्या है? सारे लोगों की गलतियां सबसे मैचिंग खा रही है कि जब आप लोगों को पता था कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था। अजय मिश्रा से हमने लाख बार ऑडियो वीडियो में कहा था कैरी फॉरवर्ड का रूल है इसमें। कहा जाता था 2016 में कैरी फॉरवर्ड हट गया है, कैरी फॉरवर्ड का रूल ही नहीं है इसमें, हटा दिया गया है। सीमान सिंह आदेश करा चुके हैं, लेकिन जान जाइए ये हाई कोर्ट सिंगल ब्रेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कैरी फॉरवर्ड पे ही आप लोग हारे हैं। मैं और दावा कर रहा हूं कि जहां भी आप लोग की मुकदमा जाएगी, मैं एक न्यायालय नहीं हूं लेकिन मैं हर केस के बारे में नस नस से वाकिफ हूं। हर जगह आप लोग का मुकदमा खारिज होगा। जब तक आप अपना बेस मजबूत करके कोर्ट में न्यायालय में नहीं लड़ेंगे तब तक कभी विजय नहीं प्राप्त पाएंगे आप लोग। मजबूरी हमारी थी, मैं इलेक्शन में परेशान था, कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में मैं लालच के तौर पे नहीं मेहनत के तौर पे लड़ा था, आज इस पद पे आया हूं। यदि लालच घमंड हमको होती तो मैं आकर 21 दिन में चुनाव नहीं जीत पाता। नहीं हमारे किसी प्रकार का घमंड है, ना ही हम कभी भी लालच किए आप लोग के बीच में, क्योंकि प्रस्तुति क्या होती है हम देखे हैं। हम भी जॉब किए हैं तब जानते हैं पैसा कहां से आता है। कहीं ना कहीं इसका परिणाम भगवान ने दिया। लेकिन ब्रदर हमारी बात को, सबसे बड़ी तो कमी अजय मिश्रा में है कि हर बात का क्रास देते हैं वो। जैसे अभी ऑडियो कोई भी कर दिया तो वो दिल पे लेके ऐसा लगता है इनका एक रोजगार चल रहा है, इसी से रोजी रोटी चल रहा, तुरंत क्रास मुकदमा देंगे। हमें दुश्मनी थोड़े नहीं है, नहीं हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से अनाई भर्ती बोर्ड से मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग को, आपको एक ज्ञान देते हैं, आपको बताते हैं हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है। क्या पता हम जो बता रहे हैं आपको आपको पता ना हो, आप जो बता रहे हैं हमको पता ना हो। इसलिए कभी भी क्रास ऑडियो नहीं किया जाता है। कोई भी कुछ बता रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको लीड करके अच्छे से मेहनत करिए। आपने बस एडवोकेट पे बिलीव करके पैसा कमा के इन लड़कों को भविष्य खराब किया है। आपका क्या है, आप रो के आए 20 से 25 लाख रुपया कमाए रो के चले गए, लेकिन आप सोचिए आपके चक्कर में 7 लड़के सुसाइड किए हैं जिसका परिणाम आप चाहें। अभी मैं और कुछ बोल दूं तो शायद आपको, हमको लगता है कि मुकदमा पे आप जेल भी जा सकते हैं। तो ऐसी गलती ना करें दोस्त, आंसू आ जाती है आंख में जब कोई भाई या किसी की माँ बहन बाप दादे फोन करके हमारे रो देते हैं। तो मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, दिल दहल जाता है, आंख में आंसू आ जाती है कि काश हम इस पद पे ना होते, उसी में संघर्ष करते। तो वो रो के हमारे यहाँ रो के ना कहते कि हाँ हमारे घर का सदस्य ऐसे हो गया है, नहीं नौकरी पा रहा है, तो तकलीफ हो रही है। हम हर जगह मदद करेंगे, पहले कुछ नहीं कर रहे थे, अब फ्री भी हैं, बल भी है, सपोर्ट भी देंगे, हर तरीके से हम खुद लड़ेंगे। मैं सभी भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं, सर्वप्रथम कहीं भी हाई कोर्ट में कोई रिट नहीं डालेगा अभी, क्योंकि हाई कोर्ट में डालने का मतलब तुरंत खारिज होगा। सर्वप्रथम रिट डालने का तरीका यह है, न्यायालय में, उच्च न्यायालय में डाला जाएगा, सर्वप्रथम सिलेक्टेड को दिखाया जाएगा, जो सिलेक्ट होके ना सिलेक्ट हुए हैं ये दिखाया जाएगा। उसके बाद जिनका जाति में अधिक नंबर है उस जाति में हो नहीं पाए हैं, जैसे कुछ लोग हैं इसमें एससी वर्ग के हैं, उनका ओबीसी तक नंबर है लेकिन हो नहीं पाए हैं, ओबीसी के लोग हैं जनरल तक नंबर है उनका हो नहीं पाया है, कंप्यूटर में फॉल्टिंग के वजह से नहीं हो पाया, इन लोग को दिखाया जाएगा, कम नंबर को दिखाया जाएगा। इसमें अब्सेंटिंग नहीं रहेंगे, ना ही अंडर हाइट रहेंगे,
नहीं फर्जीवाड़े रहेंगे, ये लोग इस मुकदमे में नहीं रहेंगे और इसको पैरवी करने के लिए आम आदमी के पार्टी के यहाँ चला जाएगा, केजरीवाल जी के यहाँ चला जाएगा, उनसे विरोध कराया जाएगा, माननीय राष्ट्र अखिलेश यादव जी से कराया जाएगा और तमाम विधायक हैं उनसे पैरवी कराया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम आगमन करेंगे, उनके यहाँ खुद मैं जाऊंगा, उनके यहाँ हमारे यहाँ चुनाव पड़ा है, इनसे पैरवी करा के हम खुद मिलने जाएंगे और इसे अप्लीकेशन देकर उनसे बस इतना पूछना चाहेंगे, एक जवाब, एक लाइन में जवाब जाना चाहेंगे उनसे कि इस भर्ती में अनलीगल क्या है, गलत क्या है, बस इतना, क्योंकि उनके हाथ में बस इशारा है, ज्वाइनिंग नहीं है, ये कभी भी देगी तो उच्च न्यायालय से यह आदेश मिलेगा हम लोगों को। तो आप लोग यूनिटी बना के रखें, कोई भी भाई गलत कदम ना उठाए, इस पे संघर्ष किया जाएगा और ये भी नहीं है कि मैं खुद लड़ूंगा, ऐसा नहीं है, आप लोग खुद मेहनत करेंगे, खुद संघर्ष करेंगे, खुद बात करेंगे, वकील से लेकर एक मुंशी तक जितने भाई रिट डालेंगे उतने भाई खुद पैरवी कराएंगे, ये इसमें ये नहीं है इसमें कोई लीडर बनाया जाएगा, कोई लीडर नहीं रहेगा, लीडर सभी लोग रहेंगे, क्योंकि हारने के बाद लीडर को बस खुशी हो रही है और पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, ये इस चीज का आज अंदाजा मालूम चला हमको, रो के आडियो करके मंदिर में जाके इससे फायदा नहीं है, इसे मैं नहीं मानता हूं, आप पब्लिक के बीच में जाइए, हमारे भाइयों के बीच में जाइए, तब हमको लगेगा कि नहीं कहीं ना कहीं इन लोग के साथ न्यायालय में गलती नहीं हुआ है, आप एक ऑडियो डाल के गायब हो जा रहे हो, फोन में पिकअप में फोन पिकअप करके आप बोल दे रहे हो, ऑर्डर आने के बाद कुछ इसमें पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद कह देते हो हर ऑर्डर में हमने सिंगल बेंच से लेके डबल बेंच न्यायालय तक, आपको इतना तक पता नहीं रहता है, कोर्ट में बैठे रहते हो आप, आपको पता नहीं रहता है कि आदेश क्या हुआ है, आप कहते हो जजमेंट आएगा हम लोग के पक्ष में आएगा, कैसी पैरवी आपकी है, कैसा एडवोकेट है, एडवोकेट को पता लग जाता है कि हमने मुकदमे में बहस क्या किया है, क्रॉस किया हुआ है, उस कोर्ट में ही मालूम चल जाता है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है जय मिश्रा जी, इसको एक्सेप्ट करें और ऐसी गलती दोबारा ना करें, किसी के साथ ना करें, मेरा उद्देश्य आपको जलील करने का नहीं है, नहीं उद्देश्य है हमको किसी प्रकार का लालच का, पर जिन भाइयों ने उम्मीद किया था उस उम्मीद पे आप खरे नहीं उतरे हैं, बाकी बिट्टू हो गए, गोविंद यादव हो गए, विभाकर भाई, उमाकांत भाई, बलिया के हमारे सभी भाई हैं, आजमगढ़ के मऊ देवरिया, हर क्षेत्र के जितने भाई हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आपको जीत चाहिए तो आप लोग संगठन बनाकर एक टीम बनाइए, मैं पैरवी कराऊंगा, उसमें मेरा कोई भूमिका नहीं रहेगा, हमें नाम भी नहीं चाहिए, बस आप लोग के शरीर पे वर्दी मिल जाएगी तो हमें लगेगा कि नहीं मैं कुछ लायक हो गया हूँ, हमारे भाई कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, हमें बहुत गर्व होगी दोस्त। आज हमें कईयों से फोन आया, एक हफ्ते से लगातार फोन आ रहा है, बस रोए जा रहे हैं लोग, तड़पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी कष्ट हो रहा है, आप लोग टीम बनाइए सभी लोग और व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमारा 94 51 52 80 23, और जो भाई कास्ट सर्टिफिकेट में छट गए हैं या केस में कोई छट गए हैं या उनकी फर्जीवाड़े में है, वो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो ना करे बेटर रहेगा, क्योंकि उन लोग के लिए वर्दी पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और बाकी ऊपर के जितने भाई हैं उनके लिए प्रयास टीम अप करेगी, और जो भाई जिनको कहा गया रिट ना करें उनके लिए मैं इतना मदद कर सकता हूं, हाई कोर्ट में अप्रैल के बाद मैं रजिस्टर्ड होने जा रहा हूं, उनके लिए इतना कर दूंगा, उनके नाम पे हाई कोर्ट में यदि कोई मुकदमा आता है तो उसका पैरवी मैं फ्री में कराऊंगा, रजिस्टर्ड हो जाता हूं, यदि प्रैक्टिस सही से हो जाती है मैं फ्री में बहस करूंगा, यह हमारा वादा है आप लोगों से।
बस आप लोग इन भाइयों की भविष्य ना खराब करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ इन लोगों को जीत दिलाकर तब जाके मैं एक चैन के नींद सोऊंगा। बस आप लोग टीम बना के, समिति कोई भी हो, नाम सभी भाइयों का होना चाहिए, पैरवी सभी लोग करेंगे। बस इसमें यदि जिसको क्रास मुकदमा क्रास करना है आडियो, आके सामना सामनी हमसे करेगा, सामना सामनी बैठ के करेगा, तब मैं बताऊंगा और पूरा एक एक डिटेल लूंगा, एक एक वकील से बात किया हूँ, तब पता लगाऊंगा कि हाँ कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन लड़कों को लेके मैं आ जाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। यदि लग रहा है हमारी बातों को बुरा होगा, नहीं करना होगा, आप लोग हर ग्रुप से लिफ्ट कर दीजिएगा, मुझे कोई लालच नहीं आप लोगों से, मैं बस आप लोग के बेनिफिट के लिए ये सोच रखा हूँ। हमारी बात को बुरा लगे हर ग्रुप से हमारे नंबर को रिमूव कर दीजिएगा। जय हिंद।